हे गाइस, दिस इज वॉइस सचिन और आप देख रहे हैं सुपर हीरो कॉमिक्स। तो यार आज हम किसी अमेरिकन सुपर हीरो, किसी हॉलीवुड मूवी या फिर किसी कॉमिक की बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे एक मानवा की। जी हाँ, कोरियन कॉमिक बुक्स जिनमें वन ऑफ द बेस्ट इज सोलो लेवलिंग। अगर आपने ये पढ़ी है तो आपको पता होगा कि मैं किस जबरदस्त स्टोरी की बात कर रहा हूँ। लेकिन गाइस, अगर आपने अभी तक इसका नाम भी नहीं सुना तो इस वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि आज आप कुछ बहुत ही अमेजिंग देखने वाले हो। और हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक स्पॉइलर वार्निंग, क्योंकि यहाँ हम सोलो लेवलिंग की थोड़ी सी स्टोरी देखेंगे। तो बेसिकली सोलो लेवलिंग की कहानी एक ऐसी दुनिया से शुरू होती है जो बिल्कुल हमारी दुनिया की तरह है। इंसान, एनिमल्स, डिफरेंट कंट्रीज, सब कुछ था वहां। लेकिन 10 साल पहले कुछ ऐसा हुआ जिसने सब बदल कर रख दिया। द गेट्स, मॉन्स्टर्स की दुनिया के दरवाजे इंसानी दुनिया में खुल जाते हैं, जहाँ एक गेट एक छोटे से डायमेंशन की तरह काम करता है जिसमें मॉन्स्टर्स होते हैं। और ह्यूमंस की जान खतरे में पड़ गई, गेट्स कहीं भी खुलने लगे और मॉन्स्टर्स सबको मारने लगे। तो इस सबको रोकने के लिए इंसानों को भी लड़ना पड़ा। अब यहीं पर एक ट्विस्ट आता है। दरअसल गेट्स के खुलने की वजह सिर्फ मॉन्स्टर्स ही इंसानी दुनिया में नहीं आए थे, बल्कि ह्यूमंस को भी कुछ मिला था। उन्हें मिली सुपर पावर्स, कुछ मैजिक यूज कर सकते थे, कुछ के पास हीलिंग पावर्स आ गई और कुछ के पास बहुत पावरफुल वेपन्स, जिससे इंसानों ने गेट्स को कंट्रोल करना शुरू कर दिया। वो एक टीम बनाकर गेट में एंटर करते और मॉन्स्टर्स को खत्म करके वापस आ जाते। जैसे होता ये कि वो गेट बंद हो जाता और मॉन्स्टर्स दुनिया में एंटर नहीं कर पाते। अब आप सोच रहे होंगे कि ये स्टोरी तो बहुत सिंपल है। वेल, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इंसानों ने आज तक मॉन्स्टर्स की असली दुनिया नहीं देखी है। उन्हें असली खतरे के बारे में पता ही नहीं है। और बात यह भी थी कि दुनिया में सभी ह्यूमंस को पावर्स नहीं मिली थी, बल्कि वर्ल्ड का सिर्फ 2-3% था और उनमें से भी कुछ हजार ही थे जो एक्चुअल में इतने ताकतवर थे कि मॉन्स्टर्स से लड़ सके, जिन्हें हंटर कहा जाता है। अब यहीं पर आता है हमारा मेन कैरेक्टर संग जिनवू। वो दुनिया का वीकेस्ट हंटर है, एक ई रैंक हंटर जो सबसे कमजोर मॉन्स्टर्स का मुकाबला भी नहीं कर पाता और हमेशा जख्मी हो जाता है। लेकिन उसे ये करना पड़ता है क्योंकि अपनी सिख मदर को बचाने के लिए उसके पास सिर्फ यही रास्ता है। पर फिर एक दिन उसके साथ एक हादसा हो गया। वो गया तो एक डी रैंक गेट में जो वीक हंटर के लिए होता है, बट अनफॉर्चुनेटली उस गेट में पावरफुल मॉन्स्टर्स निकल आए जो एक्चुअल में एक बड़े गेट में होने चाहिए थे। और फिर क्या था, हमारे मेन कैरेक्टर उसकी टीम की जान खतरे में पड़ गई, कई मारे भी गए और ऊपर से जिनवू के साथी ने उसे धोखा दे दिया। फिर हमारा मेन कैरेक्टर संग जिनवू अकेला पड़ जाता है, लेकिन उसमें जीने की इतनी ज्यादा इच्छा थी कि मरते हुए भी उसके साथ एक स्ट्रेंज थिंग होती है। उसे मिली एक पावर, एक ऐसी पावर जो उसे हर एक मॉन्स्टर को हराने पर एक लेवल ज्यादा पावरफुल बनाती थी। वो ऐसी चीजें कर सकता था जो पॉसिबल नहीं थी। शैडो सोल्जर्स की आर्मी को सम्मन करना, ये सब उसे पूरी दुनिया में या फिर ऐसा कहें कि मॉन्स्टर्स की दुनिया में भी सबसे ज्यादा पावरफुल कैसे बनाता है, इस मानवा में यही सब है। अब मैंने आपको एक बेसिक स्टोरी तो बता दी कि ये स्टोरी है किसके बारे में और कैसी है, लेकिन आप इस स्टोरी से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अब उसकी बात करते हैं। तो इस कहानी में आपको मिलेगा एक ऐसा बैडएस मेन कैरेक्टर जिसके पास इनसेन कैपेबिलिटीज हैं, एक बहुत ही कलरफुल और ब्यूटीफुल स्टाइल में प्रेजेंटेड स्टोरी जो आपको बिल्कुल एक मूवी या फिर एक एनिमे देखने की फील देगी। और अगर आपने डार्क सोल्स या फिर विचर जैसी गेम खेली है तो ये मानवा आपको कहीं भी निराश नहीं करेगी। स्टोरी में हर एक कैरेक्टर की स्ट्रेंथ, एबिलिटीज और पर्सनैलिटी डिफरेंट है। डीमंस और मॉन्स्टर्स वो भी बहुत ज्यादा इनसेन और बैडएस जो आपकी हाइप को कम नहीं होने देंगे। यूनिक और डिफरेंट प्लेसेस की बैटल जो कैरेक्टर की हर एक कैपेबिलिटीज को शो करेंगे, और इससे भी बढ़कर बहुत ही अच्छी स्टोरी लाइन जो आपको कहीं भी बोर नहीं होने देगी। एंड गाइस, नाउ वन लास्ट थिंग जो मुझे इस मांगा के बारे में सबसे ज्यादा अच्छी लगी वो था इसके मेन कैरेक्टर का सरप्राइजिंग फैक्टर। जब भी मेन कैरेक्टर लेवल अप होता है, उसे नई स्किल मिलती है, एक नई पावर मिलती है, लाइक अ ड्रैगन और अ वेपन समथिंग, तो वो एक चीज स्टोरी में देखने को बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। तो गाइस, ये था वो सब जिसके लिए आपको सोलो लेवलिंग जरूर पढ़नी चाहिए। अब जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम इस चैनल पर इसे कवर नहीं कर सकते, क्योंकि एक मानवा है जिसे अपलोड करने पर कॉपीराइट आ जाता है। तो ये आपको खुद पढ़नी होगी, गूगल कर लेना। अब वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दें। आज का लाइक है मैं सिर्फ 10,000 लाइक्स के लिए। और द सीरीज ऑफ एस्गार्ड की स्टोरी पूरी तरह कंप्लीट हो चुकी है, जिसे आप यहां से देख लेना। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।